हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुफ्त क्लास। वीडियो में डिले हो गया होगा 4 दिन, इसके लिए सॉरी। जैसे आज टॉपिक हम फिर से शुरू करते हैं, अनुपात और संपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे देखिए, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ए अनुपात बी, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, चार को जब बुंदा है इसको क्या पढ़ते हैं, समानुपात, सी अनुपात डी, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनुपात पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, अनुपात पढ़ेंगे, यानी सिंबल आपको बता दिया। अनुपात का क्या होता है सिंबल, अनुपात का सिंबल ही हो गया, जब चार को रहेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, संपात कहेंगे। जैसे देखिए, लिखा हुआ रहेगा आपको ए बटा बी रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए बटा बी को हम लोग अनुपात में कैसे लिखते हैं। देखिए, ए बटा बी है, इसको हम लोग अनुपात में ए अनुपात बी इस तरह से लिखते हैं। तो प्रथम वाला को प्रथम पद कहते हैं, द्वितीय वाला को सेकंड वाला को क्या कहते हैं, द्वितीय पद कहते हैं। तो देखिए, यहाँ इसका हिंदी राइट एज का मतलब होते हैं लिखते हैं। यहाँ देखिए पढ़ते हैं कैसे, तो देखिए ए इज टू बी भी बोल सकते हैं, या ए इज टू बी भी बोल सकते हैं, या ए अनुपात बी भी बोल सकते हैं, ए अनुपात बी भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ए बटा बी है, तो इसको हम लोग अभी बताएं कि कैसे इसको लिखेंगे, ए अनुपात बी। देखिए, डॉट देंगे दो को और इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसी बात को शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं, सिक्स अनुपात नाइन है, तो सिक्स अनुपात नाइन है, तो इसको हम लोग काट दिए, तीन से दोनों तरफ डिवाइड किए तो कितना है, तीन दूनी छः आया, तीन तीन नौ आया। अनुपात का नियम परिभाषा ही होता है, कंपेरिजन इज नोन एज रेशियो। जैसे देखिए, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, रेशियो बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दोनों में हम लोग तुलना किए हैं, और जब तुलना करने के बाद हम लोग इसको तीन से डिवाइड किए तो कितना आया, दो अनुपात तीन आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। दो अनुपात तीन आया, इसको क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर था 2 करोड़ अनुपात 3 करोड़, तो देखिए यहाँ पर जो सेम बात था, इसमें करोड़ से करोड़ क्या हो गया, कट गया। अब जो शॉर्ट फॉर्म में बच गया इसका, 2:3, इससे छोटा तो नहीं होगा, इससे तुलना तो नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, 2:3 हो गया। इसको हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन अनुपात में पढ़ रहे हैं तो 2:3 इस तरह ही होता है सर। जैसे देखिए, एक बोतल है, एक बोतल अनुपात 3 बोतल अनुपात 7 बोतल, तो बोतल से बोतल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, या उसको हटा दिए, तुलना किए, तो अब बच गया क्या हमारे पास, 1:3:7 बच गया, 7 बच गया। देखिए, परिभाषा यहाँ अनुपात के लिख दिए हैं, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। देखिए, ये स्टार मार के भी लिख दिए हैं, कुछ नियम होता है, किसी भी रेशियो का संतुलन के लिए समान अंक से गुना या भाग कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस भाग का मतलब क्या होगा, गुना या भाग कर सकते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे, जैसे देखिए 16:24 ले लें, तो इसको हम लोग क्या से काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 × 16 + 24, इससे अब छोटा होगा नहीं। तो देखिए, अनुपात का मतलब ही होता है सबसे छोटा रूप, यानी सरलतम रूप में हमको लाना है, तो ये हम लोग क्या हो गया, रियल रेशियो में हम लोग इसको निकाल दिए। जैसे सबसे छोटा रूप को ही रेशियो कहते हैं, ये भी कह सकते हैं आप, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए, रेशियो को बैलेंस करने के लिए इसमें जोड़ घटाव नहीं करेंगे। जैसे देखिए, 2 और यहाँ 3 है, तो ये नहीं कि ऐसे कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे या इसमें +0 कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। हम लोग रेशियो में ऐड नहीं करते हैं, रेशियो में ऐड जब भी करना है तो हम लोग क्या लेंगे, चार राशि को लेंगे। जैसे 2x + 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 2x/3y भी लेके कर सकते हैं, x/y लेके कर सकते हैं, या जोड़ना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2x+ कुछ भी लिखेंगे, जितना जोड़ना, 3, 4, 5 कुछ भी हो,
अनुपात देखिए थ्री एक्स प्लस फाइव कुछ भी मैंने जोड़ना रहेगा या घटाना रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे चार राशि को साथ लेंगे यानी टू एक्स थ्री एक्स वाई जेड कुछ भी लेंगे चार राशि। चार राशि क्या होता है देखिए चार राशि क्या होता है चार का मतलब हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो गया। अचर क्या होता है अचर के मतलब हो गया वन टू थ्री जो अचर है कभी बदलेगा डाटा नहीं लेकिन एक्स के जगह पर वाई भी ले सकते हैं जेड भी ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या है देखिए लिखा हुआ है रेशियो में जोड़ना या घटाना है तो रेशियो में चर राशि से गुना करके जोड़ या घटा सकते हैं चर राशि से जोड़ या चर राशि से गुना करके जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए मान लीजिए कि 2x अनुपात 3y है इसको मैं हमको 200 जोड़ना है तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे इसको तो देखिए इसमें तो x और y से चर राशि से गुना है तो इसमें करेंगे हम लोग क्या करेंगे 2x प्लस 300 थ्री बाई प्लस 300 इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कर सकते हैं। ये हम लोग का क्या हुआ तरीका सही हुआ ये तरीका क्या हो गया हम लोग का सही हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए समानुपात है ये क्या है समानुपात है ये तो आप समझ गए होंगे कि रेशियो में जोड़ना या घटाना हो तो चार राशि से क्या करेंगे गुना करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या था 2x था तो 2x में हम लोग क्या किए 300 का ऐड करना था तो 300 ऐड हम लोग कर दिए इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए 3y में करना है तो 3y प्लस 300 हम लोग कर दे सकते हैं। जैसे देखिए इसमें जोड़ दिए यह तरीका हम लोग का क्या है जोड़ने का सही है। इसमें देखिए समानुपात है तो क्या हम बताएंगे इसका परिभाषा लिख दिए दो अनुपातों के बराबरी को समानुपात कहते हैं यानी दो अनुपात रहेगा उसका बराबरी। जैसे देखिए यहाँ पर 2:5 है तो देखिए बराबर कर दिए हम लोग 6:15 क्या है 15 है देखिए दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं तो ये बराबर है इसी के जगह पर क्या लिखा हुआ है समानुपात के चिन्ह दे दिए हैं बराबर के जगह पर ही क्या लिखे हैं समानुपात लिखे तो किस ढंग से लिखते हैं जे आपको पता चल गया इसको हम लोग क्या लिखते बोलते हैं समानुपात बोलते हैं क्या बोलते हैं समानुपात बोलते हैं। जैसे देखिए अब हम लोग अनुपात को क्या करेंगे संतुलन करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो हम लोग क्या करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। जैसे देखिए ए बटा बी बराबर 3:4 रहेगा तो इसको हम लोग रेशियो में किस तरह से बैलेंस करेंगे या लिखेंगे ये देखिए तो देखिए ए बटा बी बराबर 3:4 है तो इसको हम लोग रेशियो में किस ढंग से लिखेंगे ए के सामने क्या है जैसे देखिए 3 है बी के सामने क्या है 4 है तो हम लोग जो सामने है उसको ऐसे ही लिख देंगे। देखिए ये क्या लिख रहे हैं हम लोग अनुपात में लिख रहे हैं तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया 3:4 हो गया 3:4 क्या हो गया 4 हो गया ये हम लोग अनुपात में इसको कर सकते हैं बैलेंसिंग इस ढंग से। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ए बटा 3 बराबर बी बटा 4 है ए बटा 3 देखिए बीच में साइन है बराबर का बी बटा 4 है तो इसको हम लोग किस तरह से बैलेंस करेंगे जो देखेंगे देखिए ए तो हो गया तिरछा हम लोग लाभेंगे तो नीचे बी आएगा अरे बाबू तिरछा इधर आता ना तो बी हो गया बराबर अभी तिरछा ऊपर जाएगा तिरछा में होता है 3:4 हो गया इसी को फिर हम लोग बैलेंस करके लिख देंगे 3:4 हो गया जो अभी यहाँ पर लिखा था जय इस ढंग से आ गया। जैसे देखिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं इस तरह से भी लिखा रहता तो हम लोग कैसे रेशियो बैलेंसिंग करेंगे 3 है बराबर 4 है तो हम लोग ए और बी का रेशियो चल रहा तो इसमें हम लोग ए अनुपात बी लिख लेंगे। अब देखिए जब इस तरह से रहे दो को वाला रहे तो हम लोग क्या करेंगे ढाक के निकालेंगे क्या करेंगे ढक देंगे। जैसे ए है ए को हम लोग लिखेंगे तो ए के सामने ढक देंगे ए को सामने ढक दिए तो कितना बच रहा है 4 बचा तो 4 वाला डाटा हम लोग लिख देंगे 4 लिख दिए। अब देखिए हमको बी के निकालना है तो बी को हम लोग क्या कर देंगे ढक देंगे बी को क्या कर देंगे
ढक देंगे, यानी इसको ढक देंगे या हाथ से ऐसे किसी भी तरह से ढक के। अब देखिए इधर क्या बचा, थ्री बचेगा तो हम लोग थ्री लिख देंगे। तो ये क्या हो गया हम लोग का बैलेंसिंग हो गया। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आएगा, अभी बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू से, तो एक का स्टेप हम लोग देखते चलेंगे। जैसे देखिए अब तीन वाला तीन को स्टेप में है, ए बटा थ्री बराबर बी बटा फोर सी बटा फाइव है। ये तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ए और बी और सी है, इसको हम लोग लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। पहले लिख ली, इसमें जो भी बराबर में रहता है उसको सामने वाला ही हो जाता है अनुपात में, लिख देते हैं सेम हू बहू लिख देते हैं। जैसे देखिए ए के सामने क्या हो गया, तीन है तो तीन लिख दिए, बी के सामने चार है तो चार लिख दिए, सी के सामने कितना है पांच है तो हम लोग पांच लिख दिए। क्या हो गया हम लोग का बैलेंसिंग रेशियो हो गया। इस तरह से हम लोग रेशियो में लिखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता तो इस तरह से हम लोग सजाते हैं या लिखते हैं या समझते हैं, जो भी आप कहिए इसको। चलिए इसको आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ क्या है, थ्री ए बराबर फोर बी बराबर फाइव सी है। तो अभी हम बताए थे कि जब ये जब लाइन से बराबर में रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, लाइन से रहेगा तो ए और बी ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे हम लोग निकालेंगे। अभी बताए थे कि ढक के निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ढक के हम लोग निकालेंगे। जैसे ए के सामने है, ए के हम लोग निकाल रहे हैं तो ए वाला को हम लोग क्या कर देंगे ढक देंगे। तो कैसे निकलेगा देखिए, ढक देंगे तो देखिए हम लोग कौन सी बताए अभी कि हम लोग किस राशि को लेंगे, चार राशि को लेंगे, चार और पांच है तो इसको मल्टीपल कर देंगे। चार और पांच कितना होता है, बीस हो जाएगा मल्टीपल में। अब देखिए हम लोग बी वाला को निकाल रहे हैं तो बी वाला के सामने ढक देंगे, बी वाला के सामने क्या कर देंगे ढक देंगे, बचेगा क्या तीन और पांच, तो पांच के कितना हो गया पंद्रह हो गया। उसी प्रकार अब सी को निकालेंगे तो सी सी वाला के सामने ढक देंगे और इधर बचेगा क्या, बच रहा तीन और चार बचेगा, तो तीन गुना चार कितना होता है बारह हो गया। अब देखिए हम अभी बताएं कि जो भी रेशियो में हम लोग लिखेंगे तो छोटा रूप में लिखेंगे, तो इसको हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, अगर कटेगा तो ठीक है नहीं तो यही हो जाएगा। तो देखिए पाँच से तीन से सब नहीं कटेगा, जैसे तीन से पाँच तीन पच्चे हो जाएगा, तीन चौका बारह हो जाएगा लेकिन बीस नहीं कटेगा। देखिए पाँच से बीस और पंद्रह कटेगा लेकिन बारह नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे आंसर इसको ऐसे ही कर सकते हैं, बैलेंसिंग भी हो गया। आप तीन को रहेगा ढक के हम लोग निकाल सकते हैं, ढक वाला नियम से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर तीन अनुपात चार दे दिया तथा बी अनुपात सी बराबर तीन अनुपात चार रहेगा, तो हम लोग के रेशियो पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाग, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। इस तरह से रहेगा तो इसको हम लोग कैसे बैलेंसिंग करेंगे, जैसे देखिए यहाँ बी है जो चार है और यहाँ बी है जो क्या है थ्री है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे अगुआ बोल सकते हैं, जो बीच वाला को क्या बोलते हैं बिचौलिया बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, या उसको क्या ब्रोकर बोल सकते हैं, या तो मान लीजिए कि अगुआ बोलते हैं इसको। तो इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ वाला जो भी डाटा है जो यहाँ गुना कर देंगे तीन है तो यहाँ तीन से कर देंगे, यहाँ चार है तो यहाँ चार से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ वाला तीन यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया। अब देखिए हम लोग इसको निकालते हैं, ए से निकालेंगे देखिए चरते ही बारह हो गया, चरते ही बारह हो गया, बी और सी क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो देखिए अब हम लोग गुना करके लिखते हैं ए अनुपात बी वाला, देखिए तीन तिया नौ हो गया, चार तिया बारह हो गया। अब देखिए बी अनुपात सी है, चार तिया बारह हो गया, चार चौके सोलह हो गया। देखिए यहाँ भी बारह हो गया, यहाँ भी बारह हो गया, तो हम कर सकते हैं ना कि यहाँ वाला को यहाँ, यहाँ वाला को यहाँ करके हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो इतना हम लोग करेंगे नहीं, समझाने के लिए अभी थोड़ा सा लॉन्ग एक प्रोसेस चल दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ गुना कर दिए तो डायरेक्ट कर देंगे। जैसे देखिए तीन तिहाई कितना हो गया नौ हो गया, चार तिहाई कितना हो गया चार तिहाई बारह हो गया, इधर भी बी लेंगे तो चार तिहाई बारह ही रहेगा तो इसको छोड़ देंगे। अब सी को निकाल दें तो चार चौके कितना हो गया सोलह हो गया, ये हम लोग के क्या हो गया आंसर हो गया। चाहे या एक नियम और है वो भी आपको यहाँ पर बताते हैं
सेकंड नियम बताते हैं आपको, सेकंड मेथड क्या है। जैसे देखिए ए बराबर 3/4 है, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए बी अनुपात सी निकाल रहे हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए ए और बी के सामने क्या दिया हुआ था क्वेश्चन, ए और बी 3 और 4 था, ए और बी के सामने क्या था 3 और 4 था, और ताथा में क्या दिया हुआ था, बी अनुपात सी को क्या लिखा था 3:4 लिखा हुआ था। तो बी वाला के सामने फिर नीचे लिख देंगे 3:4 लिख देंगे। आप समझ गए होंगे कैसे, तो हम अभी क्वेश्चन केवल दिया हुआ है जहे लिखे, 3 के सामने 3 था, 3 बी के सामने 4 था, वो भी लिख दिए। देखिए सेकंड में हम लोग चले तो बी के सामने 3 था, 3 लिख दिए, सी के सामने 4, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर कुछ खाली डाटा रह गया, तो इसको सामने क्या करेंगे, जो बगल में यहाँ है वही डाटा को लिख देंगे, इधर में कौन लिखेंगे जो इसके बगल में खाली है जो लिख देंगे, इधर जे रहेगा जो इधर जितना भी खाली रहेगा जे पर लिखेंगे, यहाँ पर 4 है तो ये वाला 4 लिखे ही ना, कि यहाँ पर वाला डाटा हम लोग नहीं उठाते, बगल वाला ही डाटा को लिख देते हैं। अब देखिए सामने सामने हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 3 3 9 मल्टीपल कर रहे हैं सामना सामने, 4 3 12 4 4 16 आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और हम आपको देते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल और देते हैं, उसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। चलिए जैसे देखिए मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर आपको दे दिया 4:5 है, तथा सी अनुपात बी बराबर दे दिया 5:6 दे दिया। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो देखेंगे रेशियो चल रहा है जो लगातार चल रहा कि नहीं। देखिए यहाँ ए और बी समाप्त हुआ तो यहाँ भी बी होना चाहिए, तो ये डाटा को पलट दिया, तो हम लोग पहले इसको सेट कर लेंगे, फिर इस नियम से चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बताएं, उस नियम से चलते हैं हम लोग, इसको आप समझ गए होंगे, हटा देते हैं। जैसे देखिए ए और बी और सी का डाटा है, तो हम लोग ए ले लिए, बी ले लिए और सी ले लिए। देखिए ए के सामने कितना है 4 है, बी के सामने कितना है 5 है, तो 4:5 लिख दिए। लेकिन यहाँ पर समझना है 5 और 6 नहीं नीचे लिख देंगे, 5 और 6 हो जाएगा। सी के सामने कितना है 5 है, बी के सामने कितना है 6 है, तो बी के सामने हम लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब देखिए सी के सामने कितना है 5 है, तो 5 लिख दिए। अब देखिए हम अभी बताए थे कि सी के सामने यहाँ पर डाटा जो खाली है जो बगल वाला लिखते हैं कितना लिखेंगे, बगल में 5 है तो 5 लिखेंगे, यहाँ पर खाली है तो 6 के बगल में है तो 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीपल करेंगे, यानी क्या करेंगे गुना करेंगे, गुना करेंगे इसको हम लोग। अब देखिए तो कितना हो गया 6 चौका 24 हो गया, 6 5 30 हो गया, 5 5 25 हो गया। अब देखिए इतना अगर कटता है किसी डाटा से तीनों तो ठीक है, नहीं तो इतना ही हम लोग क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। जैसे देखिए 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 4 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, देखिए 5 से इसको काटेंगे ये नहीं कटेगा, ये हम लोग का क्या हो गया है सबसे छोटा रूप हो गया, इसी को हम लोग क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। आप यहाँ तक समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।